नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगेगा प्रतिबंध। केंद्र सरकार विवादित मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर जाकिर हुसैन के 1991 में स्थापित मुंबई स्थित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। विधि मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से कहा कि इस फाउंडेशन को अवैध घोषित किया जा सकता है। जाकिर के फाउंडेशन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और लोगों के धर्मांतरण करने का आरोप है। इस संस्था को दिए जा रहे विदेशी चंदे की भी जांच की जा रही है। अवैध घोषित होने पर संस्था के 5 साल तक किसी व्यक्ति को सदस्यता देने, बैठक करने और चंदा वसूलने पर रोक होगी। मोदी ने कहा कि गोली मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को नहीं। ऊना में दलितों की बर्बर पिटाई के बाद इस समुदाय में पैदा हुए आक्रोश की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर राजनीति बंद करने का आह्वान करते हुए कहा कि समाज को जाति और समुदाय के आधार पर बंटने नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमला करना है तो मुझ पर कीजिए, मेरे दलित भाइयों पर हमला करना बंद कीजिए। अगर आपको गोली मारनी है तो मुझे मारिए, लेकिन मेरे दलित भाइयों को नहीं। ये खेल बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर देश को प्रगति करनी है तो शांति, एकता और सद्भाव के मुख्यमंत्री की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जो लोग इस सामाजिक समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उनसे मैं ऐसी राजनीति छोड़ने का आग्रह करता हूं जो समाज को बांटती हो। विभाजनकारी राजनीति से देश को कोई भला नहीं होगा। आतंकी सलाउद्दीन ने दी धमकी, कश्मीर के लिए हो सकता है परमाणु युद्ध। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन ने कहा कि कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। सलाउद्दीन ने भारत को यह धमकी कराची में जमाते इस्लामी नेताओं की कश्मीर मुद्दे पर हुई ज्वाइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। सलाउद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान की ड्यूटी है कि कश्मीर में चल रही आजादी की लड़ाई को वो नैतिक राजनीतिक सपोर्ट दे। अगर पाकिस्तान अपना समर्थन देता है तो दोनों ताकतों के बीच न्यूक्लियर वॉर होने की संभावनाएं बहुत है। दोनों मुल्कों के बीच 3 युद्ध पहले से ही हो चुके हैं, जिनमें से 2 कश्मीर के मुद्दे पर हुए थे। मैं भारत पाक के बीच 4थे युद्ध की भविष्यवाणी भी कर सकता हूं, क्योंकि कश्मीर किसी भी स्थिति में समझौता करने के मूड में नहीं है। सलाउद्दीन ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच 1998 में परमाणु परीक्षण होने के बाद से कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई है।